मैं भी जाऊंगा, मैं भी कोर्ट को जाऊंगा। अभी हम डिसाइड करेंगे कि कहां पे जाना, कौन से कोर्ट में जाना, क्योंकि ये सरासर गलत है। आप कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को दे रहे हैं घर तोड़कर। आप चलाओ बुलडोजर आशीष के घर पर, देखते हैं हिम्मत है तो तुम्हारी। तुम नहीं चलाओगे क्योंकि उसका नाम आशीष है, तुम उसके घर पर चलाओगे जिसका नाम अहमद। इतना बड़ा लाउडस्पीकर आपके सामने बैठा हुआ है ना, और क्या होना आपको। ये कहा जा रहा है कि लाउडस्पीकर महाराष्ट्र में भी। अब छोड़ दीजिए ना, आप ये लाउडस्पीकर की बात करिए, वो महाराष्ट्र की सरकार को बोलना चाहिए। माने दो भाइयों का झगड़ा है, मगर ओबीसी का नाम लेते हैं। अबे नाम बोलो, बाप ने तुम्हारे पिताजी ने आपका नाम रखा, वो नाम रख के बोलो ना। मगर ओबीसी का नाम लेंगे, हमारे बाप ने हमारा नाम असदुद्दीन ओवैसी रखा, हमारा नाम बोले जाते हैं। वही तो हम कह रहे हैं ना, हमारे अब्बा ने हमारा नाम असदुद्दीन ओवैसी रखा, आपके अब्बा ने आपका कोई नाम रखा तो बोलो ना। दो भाइयों के झगड़े में ओवैसी को क्यों लेके आ रहे आप। लेकिन सर पहले कर्नाटक में हुआ और अब महाराष्ट्र में भी हो रहा है। ये वहां की स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। द स्टेट वेयर एवर वायलेंस हैज टेकन प्लेस, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन दिल्ली। द लॉ एंड ऑर्डर लाइज, द रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द यूनियन गवर्नमेंट, एंड दिस इज द फोर्थ वायलेंस विच हैज टेकन प्लेस अंडर द एस्टीम्ड ऑस्पिशियस ऑफ श्री अमित शाह आफ्टर हैविंग बिकम द होम मिनिस्टर। फर्स्ट वॉज द लॉयर्स प्रोटेस्ट, सेकेंड वॉज द दिल्ली पोग्राम, थर्ड वॉज द 26 January फार्मर्स वायलेंस, एंड द फोर्थ वॉज दिस। It clearly shows that you have failed in your to discharge your duties. Your own police commissioner is saying without permission the procession was taken out, and two processions have passed off peacefully in front of that masjid. The third procession deliberately indulged and they wanted to create a nuisance and create a problem. They were successful in that. They erected a flag on the masjid. Please tell me, if it is a religious procession, what is it that makes you to erect a flag on a masjid? Please tell me. How is it that if you are taking a religious procession, you carry swords, you carry arms, you carry country-made pistols, and that too in the capital of Delhi, of our country? Is this the message which you are sending out to the whole country and to the whole world, that this can happen in a capital of a country? And if you have given permission, please show it. What was the route? Was the route followed? You give permission and you are responsible to maintain the peaceful passing of that procession. And I have been saying this consistently after reading various Commission of Inquiry report, that if the state government wants a communal violence to take place, it happens. If they don't want, nothing happens. Sir, kuch din pehle bulldozers chalaye gaye, ab Jamaat-e-Ulum Hind ab Supreme Court ja raha hai. Main bhi jaunga, main bhi court ko jaunga. Abhi hum decide karenge ki kahan pe jana, kaun se court mein jana. क्योंकि ये सरासर गलत है। सुनिए, अगर मैं सोमित को या प्रसाद बोसेकर को अगर क्रिमिनल केस उन पे बुक होता है, तो क्रिमिनल केस अगर कोर्ट सजा देता है तो सोमित और प्रसाद को सजा देता है। प्रसाद के घर तोड़ने को सोमित का घर तोड़ने को नहीं कहता कोर्ट। किस बुनियाद पे घर तोड़ रहे भैया आप? कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को दे रहे हैं घर तोड़कर। आप अगर चलिए आप पत्थर फेंके तो आप में पत्थर फेंकने वाले क्या फर्क रहा? आप तो सरकार है ना, आपको रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कोर्ट की क्या जरूरत? आप तय करेंगे वो पत्थरबाज था तो हम घर तोड़ देंगे उसका। कितने गरीबों का घर तोड़ दिया आप? प्रधानमंत्री आवास योजना घर बना, उसका घर तोड़ दिया आपने, और बोल रहे अपनी बड़ी ताकत दिखा रहे। याद रखिए, पावर इज नॉट इटरनल। आज आप पावर में, कल आप नहीं रहेंगे। आज आप एक गरीब का घर तोड़ रहे, कल आपका भी घर पे कोई निशाना बनाएगा जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे। क्यों गरीब का घर तोड़ रहे आप? उसमें कोर्ट में केस चलाइए ना, कोर्ट को तय करने दीजिए। वो वाकई में पत्थर फेंका या लॉ तोड़ा नहीं, मगर आप तय कर रहे हैं। आप क्या जज बन चुके हैं? क्या चीफ मिनिस्टर जज बन चुका है? वो जज बनकर तय करेगा घर तोड़ दो, घर तोड़ देंगे? ये सरासर जुल्म है, ये इलीगल है ये हरकत करना। और अगर बोलते नहीं इलीगल घर बनाया गया, परमिशन नहीं था, तो आपको चार दिन पांच दिन पहले नहीं मालूम था कितने इलीगल घर नहीं बनाए गए? बताइए,
सिर्फ मुसलमानों के घर को तोड़ना, ये कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को। अभी आज बोले आशीष मिश्रा होम मिनिस्टर ने हवाला दिया कि यूपी में जब बुलडोजर चले तो इस बार की रैली में कोई दंगे नहीं हुए, तो वही सिस्टम यहाँ पर भी एमपी में अपनाया जा रहा है। सिस्टम आपका संविधान के तहत चलेगा, आप एक नया रूल बना रहे अपनी मर्जी से, लॉ के तहत काम करो, आप संविधान से बड़े नहीं है। क्या संविधान आपको इजाजत देता है कि आप किसी को बगैर कोर्ट, अगर कोर्ट कन्विक्ट भी करता है किसी पत्थर फेंकने वाले को तो उसको सजा होती है, उसके घर को सजा हो देती है, आप उस घर को तोड़ देते, डिमोलिश कर देते, जमींदोज कर देते। आप कौन सी मिसाल दे रहे हैं? आपने संविधान पर होत लिया या फिर अपनी आइडियोलॉजी पर होत लिया आपने? आप देश को, अपने प्रदेश को संविधान से चलाएंगे या मनमानी कर लेंगे? आप तय करेंगे कौन मुलजिम है कौन मुलजिम, तो कोर्ट क्यों है? कोर्ट को बंद कर दिया मध्य प्रदेश के पूरे, बोल दीजिए जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सर आपके कोर्ट की जरूरत नहीं है, बंद कर दे सकते, वो भी नहीं कर सकते। आप कैसे किसी गरीब का घर तोड़ते? आप इस मौसम में, गर्मा में, समर में, रमजान के मुबारक महीने में पूरे घर वालों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे आप? इलीगल थे, अगर थे तो आपको 5 दिन पहले नहीं मालूम थे इलीगल थे? आप सो रहे थे क्या? क्या उन्हीं का घर इलीगल है कि दूसरों का घर इलीगल नहीं है? कितनों के घर इलीगल नहीं है बताओ आप? मगर आप ये बोल के तोड़ रहे कि यहां से पत्थर फेंका गया था। एक बच्ची का वीडियो बार बार दिखाते हैं आप लोग कि बच्ची पत्थर फेंक रही है, वो बच्ची पत्थर नहीं फेंकेगी तो क्या करेगी? मर जाएगी वो। आप जाकर बचाना था ना उसको, बच्ची को? आप निहत्ती बच्ची, वो वहां पर नीचे जो हुजूम खड़ा हुआ है, मॉब खड़ा हुआ है, जिसमें गालियां बकी जा रही हैं, जिसमें अनाप शनाप बातें बकी जा रही हैं, मजबूर कर दिया उसको आप, उसकी जान बचाने के लिए आप घर तोड़ दिया उसका। ये आपका सेडिस्टिक प्लेजर आपको मिलता है इन चीजें करके आपको। सर दिल्ली वायलेंस में एक और अरेस्ट हुआ है अभी अभी, और शेख अहमद का, उसने ऐसा डिस्क्लोज किया है कि ही हैड सप्लाइड बॉटल्स व्हिच वर यूज्ड फॉर पेल्टिंग ड्यूरिंग। पुलिस के सामने कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। पुलिस जो कुछ बकवास बकती है वो कोई खुदा की आसमान से आयत नाजिल नहीं हो रही है। सर उन्होंने कबूल किया, सुनिए कौन क्या कबूल किया उसने? अरे छोड़िए ना, कबूल किया तो फिर ये जो दिल्ली के राइट्स के केसों में कितनों को कोर्ट ने बरी भी कर दिया और बेल दे रही है, यही कहकर यही झूठ दोहराया गया था। कबूल कर लिए, क्या निकाह हो रहा है? कबूल कर लिए, कबूल कर लिए। सर आपके फेवरेट प्रदेश से एक क्वेश्चन है, आशीष मिश्रा को आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी सर, तो ये तो यूपी सरकार को बोलना चाहिए, अब चलाइए बुलडोजर, चलाओ बुलडोजर आशीष के घर पर, देखते हैं हिम्मत है तो तुम्हारी। तुम नहीं चलाओगे क्योंकि उसका नाम आशीष है, तुम उसके घर पर चलाओगे जिसका नाम अहमद है। चलाओ बुलडोजर, बताओ अपनी ईमानदारी को, तुम इतने हिम्मत वाले हो तो तुम नहीं चलाओगे उसके घर के ऊपर क्योंकि वो टेन ही उसका नाम है। अहमद का होगा घर, तुम तोड़ दोगे अहमद का। यही तुम्हारी तरफदारी है, यही तुम्हारी बायसनेस है। चैलेंज कर रहा हूं, चलाओ उसके घर तोड़ो, चलो बुलडोजर लेके जाके चलाओ उसके घर पे। नहीं चलाओगे तुम बुलडोजर, फूल बरसाओगे उसके ऊपर तुम लोग। मगर एक गरीब बच्ची जो बेचैनी के आलम में पत्थर फेंकी तो उसका घर तोड़ दिया आपने, एक की बेल सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर दिया मगर उसका घर आबाद है, एक गरीब का घर आपने बर्बाद कर दिया। आप जज बन गए ना,